तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, जब भी आप अपने HDFC नेट बैंकिंग में अपना फिंगरप्रिंट या फिर अपना पिन डाल के लॉगिन करने की कोशिश करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। जैसे कि मैं यहां पर फिंगरप्रिंट या फिर 4-डिजिट पिन डालूंगा, तो जैसे कि मैं फिंगरप्रिंट लगाता हूँ तो यहाँ पर जैसे ही मैंने फिंगरप्रिंट लगा के लॉगिन करने की कोशिश करी तो मुझे कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है, लास्ट सेशन टर्मिनेटेड इनकरेक्टली और इज़ करंटली एक्टिव, प्लीज़ ट्राई लॉग इन अगेन आफ्टर 5 मिनट। तो ये 5 मिनट क्यों बोल रहा है तो मैं आपको बता दूं, जब भी आप लॉग इन कर लेते हैं एंड उसके बाद आप लॉग आउट नहीं करते हैं, डायरेक्टली अपने मोबाइल से इसको आप डिसकनेक्ट कर देते हैं तो सेशन एक्सपायर्ड नहीं होता है, जिसको एक्सपायर्ड होने में 5 मिनट का टाइम लगता है। उसके बाद आप न्यू सेशन क्रिएट करके अपने HDFC बैंकिंग नेट बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉग इन कर सकते हैं। अब ये सिक्योरिटी होती है, इसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। अब यहाँ पर मैं इसको डन करूँगा। अब कुल मिला के बात यह है कि आपको 5 मिनट के बाद लॉगिन करना होगा, तब आप आसानी से लॉगिन कर पाएंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि आपने जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने लॉगिन कर लिया है, लॉगिन करने के बाद अब मैं क्या करूँगा कि लॉग आउट नहीं करूँगा, डायरेक्टली एप्लीकेशन को कट कर दूँगा, तो मेरा जो सेशन क्रिएट हुआ था वो अब एक्सपायर्ड नहीं हुआ है, वो 5 मिनट के बाद एक्सपायर्ड होगा जब आप इनडायरेक्टली उसको कनेक्ट से डिसकनेक्ट कर देंगे, मतलब आप यहाँ से इसको हटा देंगे। तो अब आपको 5 मिनट का इंतज़ार करना है, उसके बाद आपकी ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी एंड ऑटोमेटिकली आप जब भी अपना फिंगरप्रिंट लगा के या फिर अपना 4-डिजिट का पिन डालेंगे तो ऑटोमेटिकली आप लॉगिन कर पाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पर मैं फिंगरप्रिंट लगा रहा हूँ तो मुझे अभी ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है एंड 5 मिनट बाद ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगी एंड मुझे कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो आप समझ गए होंगे कि ये प्रॉब्लम क्यों देखने के लिए मिलती है एंड किस तरीके से इस प्रॉब्लम को फिक्स करना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।